परासिया में प्राथमिक शाला जर्जर हो रही है, जिससे आए दिन कोई ना कोई अनहोनी की आशंका बनी रहती है, जिसे लेकर प्राथमिक शाला के शिक्षकों और छात्रों के परिजनों ने सरपंच से इसकी शिकायत की है और जल्द से जल्द शाला की मरम्मत कराने की मांग की है। पाठा ग्राम पंचायत के शासकीय कोल्ठी ढाना प्राथमिक शाला के शिक्षक व छात्रों के परिजन एकत्र होकर सरपंच राजू पवार के पास जर्जर स्कूल की शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि स्कूल की जर्जर हालत के कारण आए दिन कोई न कोई अनहोनी की आशंका बनी रहती है, जिससे छात्रों व शिक्षकों पर खतरा रहता है। वहीं सरपंच ने शिक्षा अधिकारी से चर्चा करते हुए जल्द से जल्द इस बिल्डिंग की मरम्मत का आश्वासन दिया है, ताकि बच्चे सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सके व पेरेंट्स भी बिना तनाव के बच्चों को स्कूल पहुंचा सके। शिक्षा अधिकारी से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि समय पर प्राथमिक शाला की मरम्मत न हुई तो एसडीएम समेत कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। मेरे कोल्टी ग्राम में ये जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, उनके माता पिता मेरे पास आए और मैं इनके साथ पहुँच के ग्राम पंचायत पाठा के अंतर्गत कोल्टी धाना में जो स्कूल है ये बहुत पुराना है, इसकी स्थिति बहुत जर्जर है। ग्राम की महिलाओं और इनके जो बच्चे पढ़ते हैं इनको बहुत डर है कि हमारे बच्चे के कभी क्षति ना हो जाए, इसलिए मैं आज ये स्कूल आया हुआ था। यहाँ निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में ये पाया गया कि बिल्डिंग वास्तविकता में बहुत जर्जर है और इसको मैंने आश्वासन लिया हूँ, बीआरसी से भी बात किया हूँ और बात करने के बाद में इनको बीआरसी ने मुझे 26 जनवरी तक का समय दिए हैं कि 26 जनवरी तक अगर कुछ नहीं होता है तो इसके खिलाफ हम लोग एक ज्ञापन भी देंगे, एसडीएम को और कलेक्टर महोदय को भी एसडीएम ज्ञापन देंगे पूरे गाँव के लोग जाके कि हमारे बच्चे को क्षति ना पहुँचे, जल्द से जल्द कार्य अच्छा हो जाए और बिल्डिंग का रिपेयर हो जाए, यही निवेदन कर रहे हैं हम सरकार से। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।